बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड बुक की लेआउट क्या है। सेकंड बुक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। अगर हम इन चैप्टर्स की तकसीम देखें तो पहले 6 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मुश्तमिल हैं। चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 14 जो है वो पॉलीमर एंड बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड किया जा सकता है, जबकि चैप्टर नंबर 15 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 16 जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर मुश्तमिल है। आमतौर पर तलबा ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स इम्तहानी नुक्ता नज़र से ज़्यादा अहम हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है, तमाम चैप्टर्स ही अहम हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स चूँकि ज़्यादा तवज्जो से समझने की ज़रूरत होती है, लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हम भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट लेने जा रहे हैं और सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुनियादी तसव्वुरात पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से 200 साल पहले केमिकल कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया गया। इससे पहले ये तकसीम मौजूद नहीं थी। इन कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बुनियाद दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, इनका ओरिजिन, यानी ये कंपाउंड्स हमें हासिल कहाँ से होते हैं और इनका सोर्स क्या है। नंबर 2, इनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात, मसलन इनकी हलपजीरी, इनके रिएक्शंस की रफ्तार और इनके केमिकल बॉन्ड्स की नेचर वगैरह। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर जानदार अशिया जैसे जानवर और पौधों से हासिल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स गैर जानदार अशिया या मिनरल सोर्सेज यानी कि मादनियात से हासिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो हमें एक अहम थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी की बात ज़रूर करना पड़ेगी। शुरू में कीमियादानों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इससे उनका यकीन बन गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जानदार अजसाम के अंदर ही बन सकते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से तैयार नहीं किया जा सकता। और उनका ये भी यकीन बन गया कि जानदार अजसाम के अंदर कोई ऐसी कुव्वत है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाती है और इस कुव्वत को वाइटल फोर्स का नाम दिया गया और इसी बुनियाद पर यह थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाई। ये थ्योरी 1815 में जे ब्रजीलियस ने पेश की, लेकिन बाद में एक जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वुलर ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। फ्रेडरिक वुलर यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है को एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट की मदद से लेबॉर्ट्री में तैयार करने में कामयाब हो गया। इससे पहले यूरिया सिर्फ जानवरों के पेशाब में पाई जाती थी। अब यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन को देखें कि अमोनियम साइनेट जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को जब फ्रेडरिक वुलर ने गर्म किया तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया में कन्वर्ट हो गया। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरू में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तजिया किया गया तो पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम आम तौर पर लाजमी पाया जाता है, जबकि ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम नहीं पाया जाता। लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन कुछ यूं बनी कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम मौजूद हो उनकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स आमतौर पर पाए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स अहम हैं। डियर स्टूडेंट्स, तारीखी और रवायती तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बोनेट्स जैसा कि सोडियम कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट्स जैसा कि सोडियम बाई कार्बोनेट। इन कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तस्वर करते हैं, हालांकि इन कंपाउंड्स में कार्बन एटम मौजूद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मजीद तजिए से ये बात वाजे हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आमतौर पर कार्बन एटम के साथ साथ हाइड्रोजन एटम भी पाया जाता है, लिहाजा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दोबारा बनाई गई, जो कि पहले से ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है। अब जो डेफिनेशन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो शाख है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कि जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। इन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, जबकि उनके डेरिवेटिव्स भी इसमें शामिल हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनमें हमारे पास मीथेन है, उसके बाद हमारे पास इसमें इथेन है, उसके बाद हमारे पास इसमें प्रोपेन है, ब्यूटेन है और हेक्सेन है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लेकिन अगर हम इन कंपाउंड्स में किसी एक हाइड्रोजन को चेंज कर दें किसी दूसरे एटम के साथ, तो ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। जैसे कि नीचे आप एक एग्जांपल देखें, यहाँ एक हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है। अगर इस मॉलिक्यूल का ये वाला हाइड्रोजन एटम मैं क्लोरीन से रिएक्ट करवाने के बाद क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दूं, तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल बन जाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन की जगह ये क्लोरीन एटम आ चुका है, तो ये कंपाउंड जिसको हम क्लोरोमीथेन कहते हैं, ये एक डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर आप नीचे ये वाली एग्जांपल देखें, तो इस एग्जांपल में ये C2H5 जो है, इसमें C2H5 एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ रिप्लेस किया है OH के साथ, यानी कि इथेन में एक हाइड्रोजन हमने OH से रिप्लेस कर दिया, लिहाजा ये कंपाउंड भी डेरिवेटिव बन गया हाइड्रोकार्बन्स का।